हाय एवरीवन, आज फिर से मैं एक कविता लेके आई हूँ और उसका शीर्षक है मेरी दादी। दादी ये मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, इस शब्द के साथ कई भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको मेरे बचपन के कुछ किस्से सुनाती हूँ, मेरी दादी के साथ मेरा रिश्ता कैसा था वो बताती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं उम्र हो जाने पर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर मेरी दादी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। परायों के साथ भी बड़े प्यार से वो बातें करती थी। जब मैं दिन भर के उछल कूद से पैरों में दर्द लिए आती थी और बड़े आराम से एक उम्मीद के साथ उसके गोद में पैर रख देती थी, उसके वो कंपकंपाती हाथ मेरे सो ना जाने तक पीछे नहीं हटते थे। ऐसा लगता था जैसे कि उसके हाथ सच्ची में जादुओं से भरे थे। बचपन से दादी ने मुझ में कहानी सुनने की एक आदत डाल दी थी। जब तक मैं उससे कहानी ना सुन लूं, मेरे आंखों में नींद नहीं आती थी। मम्मी जब भी डांटने के लिए मेरे पीछे आ जाती थी, मैं चुपचाप दादी के पीछे छुप जाती और दादी के बातों से मम्मी चुप हो जाती थी। आज भी तुझसे कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती है। आज भी तुझसे कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती है। तेरे हाथों से एक निवाला खाने को ये दिल बड़ी तरसती है। आज भी मुझे वो मनहूस रात याद है। आज भी मुझे वो मनहूस रात याद है जब तू अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, मैं तेरे सामने कितनी बेबस खड़ी थी। ना तेरे साथ में जा पाई ना तुझे जाने से रोक पाई, ना तेरे साथ में जा पाई ना तुझे जाने से रोक पाई, बस मेरे अंदर के दर्द को आंसुओं में दिखा पाई। 10 साल हो गए हैं तू छोड़कर चली गई है, एक दिन भी ऐसा ना गया है जब मुझे तेरी याद ना आई। तेरे सफेद साड़ी माथे पे तिलक आज भी याद आती है, तेरी सफेद साड़ी माथे पे तिलक आज भी याद आती है। तेरे ना होने का गम मुझे हर पल सताती है, तेरे ना होने का गम मुझे हर पल सताती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो